यार कैम स्पेशल इसलिए है कि इसमें आपको मैनुअल फोकस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑटो का, इन्फिनिटी का, 2 मीटर डिस्टेंस पे फोकस कर लेता है, सेल्फी का फोकस, और मैक्रो। यहाँ पे स्पेशल सबसे है मैक्रो। अगर आप मैक्रो यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है, ये जो है मैक्रो पे स्लाइड करना है फ़ोटो को। ये मैं आपको एक मैक्रो खींच के दिखाऊंगा। यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे जाना है ऐसे। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा आप जूम भी कर सकते, एक्स्ट्रा जूम करके भी फ़ोटो ले सकते हो, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। ऐसे आप जूम करके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा डिले होता है फ़ोटोज़ क्लिक करने में, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा डिले होगा। आपको होल्ड करके रखना है फ़ोन पर, फ़ोटो एकदम बढ़िया आएंगे। जैसे आप देख सकते हो फ़ोटो एकदम बढ़िया आता है इसमें। मैक्रो हो गया आपका, सेल्फ़ी हो गया, जो भी आप फ़ोटो खींचोगे बहुत ही बढ़िया इसमें आ जाते हैं। बस थोड़ा आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसको मैं सैंपल दिखाऊंगा, एक बहुत ही अच्छा आ रहा है ये फ़ोटो एक्चुअली। तो थोड़ा आपको फोकस हो जाएगा पर आपको थोड़ा स्टडी हैंड पकड़ के रखना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे बारिश आ रहा है, तो पानी बूंदों का, उन्दों का, और जो पत्तों पे जो पानी गिरा है वो बहुत ही क्लियर, और बैकग्राउंड भी बहुत क्लियर आ रहा है इसमें, और इसमें आपको वीडियो भी वर्क करेगा। यहाँ पे तीन चार आपका ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपका वाइट बैलेंस सेट हो गया, और एक्सपोजर भी आप जितना चाहे उतना सेट कर सकते हो। मैक्सिमम 51,200 तक आपका एक्सपोजर इसमें मिल जाता है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है इसको इनेबल करने के लिए। आपको मिलेगा ऑप्शन वहाँ पे मैनुअल ऑन करने के लिए। वहाँ पे आपको सिंपली जाके मैनुअल को स्टार्ट कर देना है, तो आपको ये मैनुअल का जो ऑप्शन है आपके फ़ोन में मिल जाएगा। मैं आपके इसके द्वारा खींचे गए थोड़े फोटोज़ भी आपके दिखाऊंगा। फॉर सैंपल के लिए मैं आपको एक सेल्फ़ी का दिखाऊंगा, इसमें मेरे भाई का एक सेल्फ़ी लेके। मोमेंट जी, ये सेल्फ़ी पे सेट हो गया। तो आप कैमरा क्वालिटी देखो बस, और कुछ नहीं। थोड़ा आपको डिले होता है ये क्लिक करने में, पर फ़ोटो जो है एकदम बेहतर आता है इसमें। तो मैंने क्लिक कर लिया अभी फ़ोटो। थोड़ा लोडिंग भी होगा ना, फेस रिकग्निशन रखा है तो इजीली अब अनलॉक हो जाता है, पर दोनों हाथों से यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको सेल्फी में मिल जाते हैं। बैकग्राउंड एकदम लाइट होता है। अगर आप पोर्ट्रेट में ही चाहते हो तो आपको सिंपली पोर्ट्रेट में जाना है। पोर्ट्रेट में जाके आपको सिंपली ये फ़ोटो इसे क्लिक करना पड़ेगा। थोड़ा डिले होगा इसमें, पता नहीं क्यों होता है वो, पर रिज़ल्ट जो है एकदम बढ़िया आता है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो अभी। अभी मैंने ये पोर्ट्रेट लिया था, आप देख सकते हो बैकग्राउंड कितना मस्त है। यहाँ पे ब्लर, एकदम ब्लर हो गया बैकग्राउंड इसका। ऐसे इफ़ेक्ट के लिए आप यूज़ कीजिए TR कैमरा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।